जनपद शामली से इस वक्त की बड़ी खबर, भाजपा नेता नरेंद्र सैनी के घर पर एसओजी और एलआईयू का छापा। वरिष्ठ भाजपा नेता और भाजपा से नगर पंचायत प्रत्याशी रहे नरेंद्र सैनी के घर पर विशेष मुखबिर की सूचना पर जिला शामली के एलआईयू प्रभारी व एसओजी प्रभारी व स्थानीय पुलिस के साथ छापा मारकर थाना भवन के जुआ माफिया को गिरफ्तार किया गया, जिसमें भूमेश तायल मुजफ्फरनगर शामली व उत्तर प्रदेश हरियाणा दिल्ली आदि के जुआरी के बड़े गैंग के करीब 2 दर्जन से अधिक जुआरियों को रंगे हाथ पकड़कर बड़ी कामयाबी हासिल की गई है। शामली एएसपी अजय प्रताप द्वारा एक प्रेस मीटिंग में बताया गया कि पकड़े गए जुआरियों की संख्या लगभग 25 के करीब है और जुआरियों के कब्जे से दर्जनों ताश की गड्डी, 5,16,000 की नकदी बरामद की है। नगर के बड़े भाजपा नेता के आवास पर इतनी बड़ी संख्या में जुआरी पकड़े जाने पर थाना भवन में और थाना भवन क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता की अवैध कमाई करने के लालच में सरकार की छवि खराब हो रही है। बताया जाता है कि भाजपा नेता नरेंद्र सैनी मौके से फरार है। भारी पुलिस बल की अचानक छापामारी से भाजपा नेता के परिजन व मोहल्ले वासियों में डर का माहौल बना हुआ है। आज शामली जनपद के थाना भवन थाने के अंतर्गत काम्बोज मोहल्ले में सट्टेबाजों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसमें 25 लोग गिरफ्तार हुए हैं और 5,16,000 रुपया बरामद हुआ है। इस संबंध में थाना स्तर पर अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है और जो भी सट्टा खेलने वाले हैं उनके खिलाफ जानकारी हासिल की जा रही है। सर, जिस भाजपा नेता के घर में ये सट्टा चल रहा था, क्या उसको भी गिरफ्तार किया गया? जो भी अवैध काम करेगा इस संबंध में उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।